नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू का उड़ाया मजाक। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने जब राहुल गांधी से मोदी के हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी की नोट शीट पर इसका जवाब लिखा था कि नहीं। बता दें कि मोदी जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके हाथ में सवाल और जवाब दोनों लिखा हुआ एक पेपर था, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मोदी को नीच आदमी बताने वाले बयान को मणिशंकर ने ठहराया सही। 2017 में उन्होंने मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर ने एक लेख में कहा है कि उन्होंने सही कहा था। बलिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जाति नहीं देश के लिए मांग रहा हूं वोट। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि हार की हताशा में गालियां दे रहे हैं कांग्रेस के लोग। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, कहा कि 2014 का चुनाव तो मोदी बनाम मनमोहन सिंह हुआ था, लेकिन इस बार मोदी बनाम कौन। ममता बनर्जी का मीम बनाने वाली बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त किया रिहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माफी मांगने पर ही प्रियंका को मिल सकती है जमानत, लेकिन बाद में माफी मांगने की शर्त को हटा लिया। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी सरकार की नैया डूब रही है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आरएसएस ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। वो बोली कि इस चुनाव में आरएसएस वाले भी झोला उठा के प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी मोदी के पसीने छूट रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रतिबंधित प्रत्याशी के मंदिर जाने पर उठाए सवाल। कहा कि अगर प्रतिबंधित प्रत्याशी मंदिर या सार्वजनिक जगहों पर जाता है और उसको मीडिया में दिखाया जाता है तो उस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी समय में मंदिर जाने के खर्चे को प्रत्याशी की तय राशि में शामिल करने की मांग की। कन्हैया कुमार के जीवन पर बन सकती है वेब सीरीज, सलमान खान निभा सकते हैं लीड रोल। तांडव हो सकता है वेब सीरीज का नाम। आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी। लड़कियों का पास परसेंटेज 95.09% रहा तो लड़कों का 94.68% रहा पास परसेंटेज। जेट एयरवेज के CFO अमित अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कर्ज में डूबी हुई एयरलाइन बंद होने के कगार पर है। बता दें अभी एयरलाइन को कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की है जरूरत। मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 55.76 अंकों की बढ़त के साथ 37,146.58 पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 3.45 अंकों की मामूली तेजी के साथ 11,151.65 पर हुआ शुरू। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।